Hi guys, welcome back to my channel. This is Yolup Sang. Hi, hello. Samalatash today. Okay, so we are back from Belgium. Belgium se aa chuke hai Paris mein. And Alex ne apna kaam start kar liya hai. Alex is back to his work. Ab wo kaam karega kyunki beech mein usne ek mahina ka chutti liya tha na. So yeah. Abhi सुबह है एंड अभी मैं जा रही हूँ अपनी सोशल के पास बिकॉज आई हैव एन अपॉइंटमेंट और कुछ काम है तो आई एम गेटिंग रेडी. एलेक्स सुबह सुबह काम पे जाता है एंड बेचारा वो सुबह उठ के सबसे पहले उसने ब्रेकफास्ट बनाया मेरे लिए एंड देन ही वेंट टू वर्क. सुबह उसने ब्रेकफास्ट परौंठा बनाया है. कल रात से उसने ऐसे रेडी करके रखा था एंड उसने अभी सुबह बनाया. मैं आपको दिखाती हूँ. So he made parontha. मतलब उसने ऐसे करके रखा था कल रात को. मतलब खंडे सिंह सुर तला एग्स अनियन एंड मैदा. आई थिंक मैदा, आई एम नॉट श्योर. फिर उसने ऐसे ऐसे करके कल रात को रखा था. अभी बनाया देखो. आई नो आई एम वेरी लकी टू हैव समवन लाइक एलेक्स. दुनिया में ना सब औरत इतने लकी नहीं होते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी के टाइम उनका पति इतना हेल्प करे. आई नो दिस इज़ द हार्ड ट्रूथ एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे लाइफ में एलेक्स है जो इतना मुझे केयर करता है. एंड दिस इज़ सो गुड. कल रात को भी उसने बनाया था मेरे लिए. इट्स सो गुड. मुझे जल्दी निकलना है आप पता है. Les PV à prof. Non, accéléré dans les coins dans la distribution de contraventions pour récupérer. Voilà, ça va, contraventions, on va faire ça, ça va dire. Bah, mais comme ça, la piscine olympique, bah, mais comme construire là-haut. Dans Saint-Denis, dans le 9-3 là-bas. Ah, this is so cool. Ab yahan pe aise yahan se khana mangana hai. Maine abhi veg sushi mangaya hai aur maine ye leg ke momos kind of mangaya hai. Aur ye aise aa jayega. खाना वहाँ से सेंड करते हैं ऐसे करके यहाँ पे आएगा देखना. ओके, सो मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ. आई वाज क्रेविंग फॉर सुशी. सुशी खाने का बहुत मन कर रहा था. मैंने वेज सुशी मंगाया है और मैंने देखा कि यहाँ पे ना ऐसे आई पैड पर टाइप करना पड़ता है और ऊपर से ऐसे खाना आता है. लाइक गाड़ी आता है ना, जिंदगी अपने पीछे देखा ऐसे ऐसे गाड़ी से ऐसे ऐसे जा रही है खाना. तो मेरा नंबर 35 है तो अब मेरा खाना ऐसे आएगा देखना. नाइस ना, ये मैं पहली बार देखा यार. अब ये चला गया यार. देखो 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 देखो, दिस इज समथिंग न्यू. हाँ, ये मेरे को नया आया बिल्कुल. ओके टंगो हाजी, कल का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ. कल मेरे साथ बहुत गलत हुआ. बहुत बुरा हुआ कि ना मैं टैक्सी में जा रही थी. मेरा बहुत इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट था सोशल के साथ. तो टैक्सी में जाने तो मैं ना खड़े प्लास्टिक बैग लाना भूल गया एंड मुझे उल्टी आ गई. तो मैंने अपने बैग से जो इम्पोर्टेंट पेपर वेपर निकाल दिया, पर्स निकाल दिया, मैंने पावर बैंक निकाल दिया. फिर मैं अपने बैग में मैंने उल्टी किया था.
वॉज हॉरिबल क्योंकि ड्राइवर बहुत डर गया है, बस लाइक क्या हुआ क्या हुआ। अब तो ये इंडिया तो है नहीं कि तुम गाड़ी रास्ते के बीच में रोक दो और मैं बाहर निकलूँ, दिस इज़ नॉट इंडिया। तो यहाँ पे ना हाईवे पे, हम लोग हाईवे पे जा रहे थे, गाड़ी रोक नहीं सकते थे, तो मैंने इमरजेंसी में अपना बैग यूज़ कर लिया। सो आफ्टर दैट मैं सोशल के पास गया, मेरा काम हो गया। बट पता है कल का दिन बहुत ख़राब था। कल मैंने सुबह मैंने उल्टी किया, आफ्टर दैट कल मैं जब लंच खा रही थी, एलिस ने मुझे कल फ्राइड राइस बनाया, एग फ्राइड राइस, मैं फ्राइड राइस खा रहा था, खाना खाते खाते मुझे उल्टी आ गया। इवन डिनर में भी जब मैं डिनर खा, डिनर खाते खाते मुझे उल्टी। तो कल मुझे दिन में 3 बार उल्टी आई, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे हमेशा एक दिन में एक ही बार उल्टी आता था, बट कल मुझे 3 बार उल्टी आया, 3 बार। तो आई डोंट नो, तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा आज ब्लड टेस्ट है, मुझे 12 आवर फास्टिंग के लिए बोला था, बोला कुछ मत खाना, तो मैंने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख लगी है इसलिए मुझे अभी ऐसे वॉमिटिंग नॉशियस हो रहा है, मुझे भूख बहुत ठोको ये तो, मुझे बहुत भूख लगी है। आजकल ऐसा ना कि मुझे बीच बीच में ना कुछ खाते रहना क्योंकि ना मुझे भूख लगती है। तो मैंने अभी कुछ नहीं खाया है सुबह से, अभी मुझे ब्लड टेस्ट के जाना है, इधर पास ही है, मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है। और एलेक्स ने ना मेरे लिए सुबह, एलेक्स काम भी गया ना, काम जाने से पहले एलेक्स ने मेरे लिए खाना पैक किया। सो लेट्स गो, ब्लड टेस्ट के लिए चलते हैं, लेट्स गो। हाँ पहुँच गया मैं लेबोरेटरी। ब्लड निकाल दिया, अब सुसु करने के लिए बोला। ओके सो जो ब्लड टेस्ट मैंने किया था वो उसका था, हेपेटाइटिस बी, मतलब बहुत सारी डिजीज का था, मुझे याद नहीं है अब तो, शायद उसमें आई थिंक एसटीडी का भी था, ताकि यू नो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है कि नहीं है, क्योंकि ताकि अगर मुझे मेरे पास है तो मेरे बच्चे को ना हो, इसलिए ना सब सारे टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट। ओके और रिजल्ट भी आ गया है। मुझे लगा कि मेरे पास हेपेटाइटिस बी होगा, पर थैंकफुली मेरे पास नहीं है, क्योंकि द थिंग इज मेरे मदर को था हेपेटाइटिस बी, बट पता नहीं मुझे कैसे नहीं हुआ, बट मेरे पास नहीं है। एंड या सारे टेस्ट लिए एंड ऑल द टेस्ट आर नेगेटिव, मतलब मेरे पास कुछ भी बीमारी नहीं है, सो माय बेबी इज सेफ फॉर नाउ। या बट हाँ, ब्लड टेस्ट मैंने बहुत ब्लड टेस्ट किया। ओके सो मैं बताता हूँ क्या हुआ था।
हमारे यहाँ पे ना फ्रांस पे ये होता है ब्लड टेस्ट ट्रिसोमी 21, जिसमें ब्लड टेस्ट में चेक करते हैं कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। आई डोंट नो ये इंडिया में है कि नहीं है, बट यहाँ पे फ्रांस पे ये कंपलसरी बनाया है कि आप जब आप प्रेगनेंसी 3-4 मंथ में आपको चेक करना पड़ता है कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम बीमारी है कि नहीं है। तो मैंने वो किया था, उसको ट्रिसोमी 21 बोलते हैं। मैंने अपना ब्लड टेस्ट ब्लड चेकअप किया था एंड जब पहला रिजल्ट आया द डॉक्टर वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। फिर डॉक्टर ने बोला कि मुझे फिर से करना पड़ेगा। पहले वाला ब्लड टेस्ट था, दूसरा वाला क्रोमोसोम आई डोंट नो, बट उसने मेरे डॉक्टर ने दो बार चेक करवाया। जब दूसरी बार ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला, ओ माई गॉड, मैं इतना डर गया। देखो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका पहला बच्चा अच्छा हो, यू नो, सब चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी हो, अच्छे से पैदा हो। तो इसलिए मैं इतना, एलेक्स भी डर गया, मैं भी डर गया एंड मैं इतना डर गया। मैंने अपना दूसरा ब्लड चेक करवाया था और मैंने हर किसी से फ़ोन पे पूछा कि यार ऐसा ऐसा हो गया, क्या क्या होगा। आई वॉज़ वेरी वरीड। इवन मैंने उनसे भी पूछा, जोई फैमिली से भी पूछा कि आपके साथ ऐसा हुआ, आपको दो बार ब्लड चेकअप करना पड़ा करके, ऐसे मैंने पूछा उनसे, ऐसे नॉर्मली पूछा, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे दो बार ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला ट्रिसोमी 21। और जब मैंने दूसरा बार टेस्ट करवाया था, उसने बोला, डॉक्टर ने बोला कि रिजल्ट एक हफ्ते के बाद आएगा। आई वॉज वेरी वरीड। एलेक्स भी टेंशन में, मैं भी टेंशन में, मैं तो इतना टेंशन हो गया भाई साहब। मैंने सोचा कि यार बस मेरा बच्चा ठीक हो, इतना मैं टेंशन में आ गया था। फिर एक हफ्ते के बाद मेरा रिजल्ट आया एंड डॉक्टर ने मुझे मेल किया मेरा रिजल्ट। एंड डॉक्टर के पास जब मैं गया था एंड शी टोल्ड मी कि बेबी इज़ ऑल गुड हेल्दी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी है और डाउन सिंड्रोम नहीं है। एंड जब वो रिजल्ट आया ना, आई वाज लाइक, इतना मैं खुश हो गया, मेरे आँख में इतना, यू नो, आँखें पूरा आंसू भर गया। मैं इतना खुश हो गया कि मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हो गया। बट जब पहले के टाइम पे मुझे कभी पता नहीं था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ को इतना टेंशन होती है, यू नो, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे इतना कुछ आता है करके, कॉम्प्लिकेशंस की आपके बच्चे को ये हो सकता है, आपके बच्चे को वो हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब जब मैं खुद प्रेग्नेंट हुई हूँ, अब जब खुद एक माँ बनने वाली, अब जाके पता चल रहा है कि भाई माँ होना इट्स नॉट ईजी, प्रेगनेंसी नॉट ईजी। अभी मेरा बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, अभी बहुत छोटा है, फिर भी मुझे बहुत टेंशन होती है अपने बच्चे के लिए। फिर भी मैं बहुत सोचता हूँ, इतना मुझे प्यार आता है उस पर। नाउ आई रियलाइज कि वाई मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों माँ को इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्यों माँ, यू नो, क्यों माँ इम्पॉर्टेंट होती है। सो या बाकी अभी मैंने दो बार ट्रिसोमी 21 किया था, अभी मेरा रिजल्ट ऑल ओके है, एवरीथिंग इज ओके, सो आई एम हैप्पी। बाकी आई होप अच्छा ही हो, दुआ करता हूँ मैं। या एलेक्स ने मेरे लिए क्या क्या पैक किया था खाना, केला थोड़ा दूसरी बाज रे, देखो केला और ये ब्रेड ऑमलेट।
सो कूलर ले सो चाचा की कूलर ने ले शा अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग चेयर पे बैठे रहते हैं मुझे चलो खुश हो इस पर कुंदा इट्स रात के 10:30 है अभी आया हो काम से नहीं अभी 11 बजने वाला है एंड ही इज गोना टू अनबॉक्सिंग क्योंकि रात को बहुत गर्मी है ना तो इसलिए आज ही हम यूज करेंगे आते अनबॉक्सिंग यूज करेंगे भाई साहब भाई साहब खोल लो तो समझ दो करे खोल लो इधर देखो खोल लो या मां रिमोट दो दे रिमोट खजने दे रिमोट खा था रिमोट दो मारा ने नेम का दो ने छे मारा रिमोट इत छे का यार दे दिस दे इसको दी तू सीन सर इत तू सुना ही सर नो 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 इत छे का से मिल दे 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 खोलो 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 दे दे Yeah, the orbis. Chocolate. Chocolate, Jose. Chocolate, I need this. Cooler. Did you see? Speed for a dirt. So, I thought I made a video or not. I mean, you know, I was confused. But, चलो ठीक है आज मैं वीडियो बना लेता हूँ. So, अभी हम आए हैं सनदानिस. आज हम मूवी देखने वाले हैं. After long time. चलो इंडिया में ना तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम लोग ना नए नए मूवी आते हैं ना बॉलीवुड के तुम लोग देख सकते हो. यहाँ पे पेरिस में क्या है ना हिंदी मूवी आता ही नहीं. तो बहुत टाइम के बाद एक हिंदी मूवी आया है यहाँ पे. आप लोगों को शायद पता होगा बैड न्यूज़ विक्की कौशल का बैड न्यूज़ करके. तो वो देखने जा रही हूँ आज मैं एलेक्स और मेरा दोस्त कैम्सो और इल्लू हम चार लोग हम आज हम मूवी देखने जा रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक हिंदी मूवी आया है और मुझे बहुत पसंद है हिंदी मूवी देखना तो इसलिए. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग अ ड्रेस. और आज एलेक्स का ऑफ डे भी है तो या स्टेडियम ओलंपिक स्टेडियम ओके मैसेज Excuse me, monsieur, please lift it up.